Hey people, what's up? Myself Ronald, Saraswat. And I am Arpit Parekh. The two hangout guys. So, abhi humne roz raat ko ghum rahe the Arpit, to humne kya socha hai? Hum kal kya karne wale hain? Kal kis cheez par hangout kiya jaye actually? And hum logon ne decide kara ki hum log aapke school aa rahe hain. School jayenge man. So, schools. Meet you people there and adios. Adios. Milte hain kal school mein. Stay connected. Ab direct chalte hain movie. ठीक है अब हम आपको कल सुबह मिलते हैं. All right, bye guys. Hey people, what's up? This is Ronald Sasur and right now we are at Hansraj Smart Senior Secondary School. So हम इस स्कूल से पता करने वाले हैं कि इनका स्कूल कैसा है. So let's go to some students and check them out. Hey, what's up? What's your name, brother? My name is Gurpreet. Gurpreet? Abhishek. Abhishek. Vishal. So हम इनसे पूछेंगे इनका स्कूल अच्छा है या बुरा, कैसा चाहते हैं ये अपने स्कूल को बनाना या फिर कैसा चाहते हैं कि इनके स्कूल में ऐसी चीजें ना हो. So let's our scout Gurpreet first. मुझे लगता है हमसे हमारा स्कूल सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं. काफ़ी अच्छा स्कूल है तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं तो मुझे लगता है काफ़ी गुड इन द स्कूल. एंड द रूल्स विच आर मेड बाय द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स दे आर फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स. सो द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स आर वेरी गुड एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड. टू फटक स्कूल है, इसके बारे में यही बढ़ सकता है. बहुत मस्त स्कूल है, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती यहाँ पे. अगर टीचर्स को हम कहते हैं अगर टीचर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, टीचर के साथ कोऑपरेट करते हैं. आज तक हमें कभी ये नहीं लगा कि इस स्कूल से हम अलाइनेटेड हैं, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ. ऑसम ऑसम. कुछ बुरी चीज़ हुआ आपने स्कूल वाले बताया चाहिए इससे करना चाहिए टीचर्स को नहीं पता लगेगा आपकी. अब क्लास में कैमरेज लगा दें जिससे हम अपनी शिबानी पूरी नहीं कर पाए. ओह कूल. सो इनके स्कूल में है कैमरा. सो बीवेयर पीपल फॉर टेकिंग एडमिशन. वेल दिस वाज ऑल सासवत साइनिंग ऑफ फ्रॉम डू हैंग आउट. दिस वाज हंसा स्मार्ट स्कूल सी ब्लॉक सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल के सामने जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं. लेट्स गो टू द स्टूडेंट एंड पूछते हैं उनके अपने स्कूल के बारे में वो क्या सोचते हैं. गाय व्हाट इज नेम. माय नेम इज सारू. माय स्कूल तेजवल पॉपुलर इज फेवरेट्स टीच फेवरेट टीचर्स प्रिंसिपल्स ये बहुत अच्छे वो हैं क्लास में. सर जी ये सब हमारी अच्छी बातें करते हैं. सर आपका नाम क्या है. कोई नहीं आइए कैरी फॉरवर्ड. नाम पवन है. पवन 11th क्लास में. ये 11th क्लास में है सर. सो आप अपने स्कूल के बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे कि क्यों अच्छा लगता है आपको स्कूल. और ये कह रहे हैं इनको स्कूल इतना अच्छा लगता है कि इनके पास वर्ड नहीं है बताने के लिए. मैं कैरी फॉरवर्ड टू मिस्टर रोहित पांडे. रोहित पांडे सर अपने स्कूल के बारे में कुछ. आप बहुत ही स्मार्ट बॉय हैं दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी से. मैं जानना चाहूँगा आपको अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है. हमारे स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मतलब सभी सब्जेक्ट और बढ़िया टीचर हैं. काफ़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं इसलिए हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा है. और यहाँ पे प्रिंसिपल जो हमें काफ़ी केयर करते हैं. और देखा ये होता है स्कूल जहाँ स्टूडेंट्स को बच्चे प्यार किया करते हैं. और कोई है जिनको अपने स्कूल के बारे में अच्छा बोलना है. एनीवन. प्रिंसिपल पैसे नहीं बांट रहा. ओके जैसे हम जानते हैं कि ये स्कूल बहुत ही ऑसम स्कूल है, बहुत पॉपुलर स्कूल है. सो गाइस डू हैंग आउट पीपल एट हरिवादी स्कूल. तो मैं हूँ हरिवादी के बच्चों के साथ जो कि ऑल्सो जाना जाता है सी ब्लॉक के सर्वोदय बाल विद्यालय के नाम से. हमारे साथ ही बच्चे बताएंगे कि इनको इनके स्कूल क्यों अच्छा लगता है और क्यों शायद बुरा भी लगता है. तो आप सब लोग अभी हमारे को मिलकर बताइए आपका स्कूल क्यों इतना खास है. सर क्योंकि हमारे स्कूल में फ्री कुछ भी काम करने की फ्रीडम है. कोई भी फ्रीडम को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फन कर सकते हैं फ्रीडम है. आप क्या कहेंगे अपने स्कूल के बारे में. गुंडागर्दी में सबसे आगे है. गुंडागर्दी में सबसे आगे ये तो हर कोई जानता है इस कारण में कि हरिवादी रॉक्स फॉर इट्स कूल गाइस लाइक गुंडागर्दी. हमारा स्कूल में बहुत वो है, हमारे आने में कोई साधन नहीं है और इसलिए बहुत परेशानी होती है. परेशानी होती है स्कूल में आने जाने का साधन नहीं है इसलिए इन्हें इनका स्कूल थोड़ा सा इस बात में कम लगता है. होपफुली ये आपकी बात पहुंच जाए. हमारा स्कूल सबसे बढ़िया स्कूल है, सबसे बेस्ट स्कूल है. क्यों क्यों है सर. क्यों है. क्योंकि गुंडागर्दी में ज्यादा वो है. गुंडागर्दी में यहाँ पे लड़के मर्द बनते हैं. बसों के सीटें फोड़ देते हैं. क्या पढ़ाई बहुत अच्छी है. हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर सबसे बेकार है. सर आपका नाम क्या है. जगनदीप. जगनदीप. वाओ. इनको टीचर अच्छी लगती है, इनको स्कूल की पढ़ाई अच्छी लगती है, इनको स्कूल का कन्वेंस अच्छा नहीं लगता, इनको अपने स्कूल के बॉयज अच्छे लगते हैं एंड इनको सब कुछ ही अच्छा लगता है. मैन So awesome school, Saraswat Bal Vidyalaya, that is Hariwardi of C block. Dilshad Garden ka rocking school. Guys, and do hang out. Keep doing hangouting.
अब हम खड़े हैं लवली पब्लिक स्कूल के सामने. चलो आओ देखते हैं इस स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा. बच्चों से कन्वर्सेट करते हैं कि उनको इनका स्कूल कैसा लगता है. सो गाइस, व्हाट्स योर नेम? ऋषभ. एंड व्हाट्स योर्स? मोहित. मोहित, सो गाइस तुम्हें अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है? लाइक कुछ तो सोचा होगा समथिंग. इसमें बोल गए स्कूल आवर टीचर इज वेरी गुड. टीचर्स आर वेरी गुड. ओह वाओ, मतलब आप पढ़ने लिखने में काफी अच्छे हैं. दैट इज वेरी गुड पॉइंट. और मोहित आप बताइए आपको अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है? इट्स जस्ट अबाउट इट इज स्कूल इट्स लुक लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत शौक है शॉपिंग करने का. सर आपके अकॉर्डिंग स्कूल कैसा है? अच्छा है. नाइस नाइस. कुछ अच्छी कुछ अलग बात जो आपको स्कूल में लगती है जो बाकी दिलशाड़ों के स्कूल में नहीं है? ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती और जो हमें काम करना हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं. और बाकी सब ठीक है. हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हमारा स्कूल और मेनली हर चीज़ डांस मेन मेरे लिए डांस है तो डांस एक्टिविटी हर डांस एक्टिविटी होती है. बैड पॉइंट बताइए अपने स्कूल के बारे में जो आपको अच्छे नहीं लगते हो. यही कि डांट बोर्ड पड़ती है. डांट बोर्ड पड़ती है. डांट बोर्ड पड़ती है और हर नोटबुक टाइम पे ना मिलने पे बाहर खड़ा कर दिया. मैन हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम स्कूल जाते थे नोटबुक तो बनाते नहीं थे बाहर खड़े होने की बात ही नहीं होती. नाउ दिस वाज सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल. ये थे सेंट लॉरेंस के बच्चे. स्टे कनेक्टेड गाइस. डू हैंग आउट. हे पीपल व्हाट्स अप. सो हम हैं अभी ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल के सामने एंड यहां की छुट्टी हो रही है. सो राइट नाउ वी विल बी चेकिंग इस स्कूल के बच्चे क्या सोचते हैं अपने स्कूल के बारे में. सो लेट्स गो. Right now we are at Greenway और हमारे पास कुछ shocking students हैं Greenway Modern School के. Would you like to meet them? Yeah. What's your name? Rahul. Ankit. Ankit. Shivam. ये अपने स्कूल के बारे में कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई बताएंगे जो कि बताना चाहेंगे. It's like a ground force which provide lots of friends, new friends, new buddies. We are happy to be a part of it. Okay, आप क्या बताना चाहेंगे? Well, I joined the school in 9th class, so I came from SSC board. So the similarly, the school is very easy because this is CBSE board. Okay. So I found no problem studying in this school, and the environment is also friendly with so many friends. Are like कुछ बुरी बात जो अपने स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? हमें सुना के स्कूल में डक्स हैं. Yeah, that's all. Are they scary? Yeah, that's all. Ducks. They roam from here and there. From last 2 years, the school is still under construction. Under construction. Okay. That's a big problem for all students. It will be some messy stuff and stuff. Yeah, that we can't play in the games here also. Okay. But so, still, and last, Greenway Rocks. Yo, man, the students say Greenway Rocks. So, this was Greenway Ball School. आपको स्कूल कैसा लगता है हमारी आप वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं. So, adios. Hey guys, now let's go to the Greenway Schools again. बच्चे, hi guys. Hi. So, people, आप लोगों को अपना स्कूल कैसा लगता है? अच्छा लगता है. Yeah, these guys are so shouting for their school, man. So guys, may I know what the Greenway is? Greenway is the best school in the world. Hamein jawab mil gaya. Greenway is the best school. Okay, thank you, fellas. Thank you. So guys, hamne apna safar tha. Char school hoga. Jaise humne aapko dikhaya. अब हम जा रहे हैं ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल. हालांकि वहां की छुट्टी हो चुकी है तो कल वहां पे हम आपसे मिलेंगे. अभी आप देख सकते हैं दिलशाद की रोड. Adios. Anyways people, this was something different. And आज हम आप इस स्कूल आए. आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे. और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके भी स्कूल हैं तो आप प्लीज अपने कमेंट्स हमारे पेज पे छोड़ दीजिए. बाकी अर्पित और मैं जो कि है डू हैंगआउट टीम की तरफ से आपके स्कूल तक आएंगे एंड हम आपसे बात करेंगे. Anyways, do hang out people. Adios and check out the second part. It would be cool. Ciao.